बोलो हाय गाइस, बोलो गाइस, बाय हाय बाय नहीं होता, गाइस बोलो गाइस। मैरी मैं किशमिश किपी किपी हाय गाइस, मैरी क्रिसमस। टोपी गिर गई इनकी, इनके टोपी बजा दे रखी जा रही क्योंकि इसका सर बड़ा है ना, तो इस वजह से इसकी टोपी टिकती ही नहीं है। ये छोटे की छोटू से गुद्दे की ये देखिए पूरी सही से रखी नहीं जा रही है, गिरे जा रही है, फिट नहीं हो रही है। जाइए, छोटू सेंटा हमारे डैडी हो गए। हाँ क्या हुआ, क्या बोला, जिंगल बेल क्या बोला, जिग्गी बेल, जिग्गी बेल। अच्छा आप अपनी टोपी तो उठा लीजिए फटाफट, इसको इसको चाहिए पूरा पूरा टेंशन, पूरा टेंशन इसको चाहिए गुड्डे को, है ना। अरे बाप रे भाई, यही कारण है ब्लॉग नहीं बन पाते, क्योंकि इस बच्चे को सारे बातें करनी है, ब्लॉग बनाना है, पकड़ना है, कुछ करना है, जो भी करना है सब इसको करना है, मेरे को नहीं करने देता ये कुछ भी। मैं 2 दिन से सच में बंद कर दो, हो गया कह रहा है। मैं सच में 2 दिन से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ। मैंने कहा आज मेरी क्रिसमस जैसे तैसे वो चला तो जाएगा, ये नहीं बनाने देता, ये फोन ले लेता, यही सब करता, यही बोलता है, ये बहुत शैतान बच्चा हो गया है, इसकी बहुत पिटाई होगी, अब बहुत पिटाई होगी इसकी। हाँ चलो गिफ्ट दो जल्दी से, मम्मा को भी गिफ्ट दो, अपना सुबह कह रहा है मम्मा गिफ्ट। हाँ और सेंटा तो तुम पढ़ने को तुम दो ना, जिंगल पे मेरे चोतू या सेंटा। अच्छा अच्छा मम्मा प्यार तो कर दो, इनको चाहिए भाई फोन चाहिए। अच्छा मम्मा को प्यार कर दो फिर, प्यार ये चाहिए लीजिए। अच्छा लीजिए मेरा छोटू सा सेंटा, वो छोटू सा प्यार, अच्छा सेंटा है। मगर इस बार देखिए टोपी फिर भी मैंने इनकी जुगाड़ करके टिकाई हुई है किसी तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल ही रख नहीं रही थी, गिरी जा रही थी इसकी टोपी। तो गाइस फाइनली हमारे डुगू का गिफ्ट भी आ गया है ना। डुगू कौन लाया डुगू गिफ्ट बता दो। अब वो पहले अपना दिखा रहे हैं, खा रहे हैं टोपी का, क्या चुकु, अरे बापू क्या खा रहा है डुगू, चुकु चुकु। और ये कौन लाया गिफ्ट डुगू के लिए, कौन लाया है भरा है कैसे बोले डैडू, ये सारा इनके लिए मंगवाया हमने, कहा भाई ये सब खाते नहीं है, ऐसा नहीं है। एक दिन ये खाया था किटकैट, एक दिन ये वाली किटकैट इसने खाया था, इसको सच में हम शुरू से तो दिए नहीं, 2 साल तक कहते हैं ना कि बच्चे को नहीं दे। हाँ इसको आप रहने दीजिए, आप पहले जो खा रहे हो खा लीजिए, तो जो बच्चों को कहते हैं 2 साल तक नहीं देना चाहिए, तो हमने दिया नहीं था, दुकान में गए थे और पहले तो कुछ नहीं खाता था, अभी हर चीज़ खाने लगे हैं, मतलब घर की चीज़ें भी हर चीज़ खाने लगे हैं ना। हाँ बेटा अभी पहले फिनिश करिए मुँह का, तो फिर ये बाहर गए थे, बाहर जाने के बाद देख लिए और देख के अपने आप ही, क्योंकि जब वंशु आई थी ना तो वो खा रही थी, तो इसलिए उनको पता था, हम तो लाते नहीं थे, तो ये देख करके मांगे, वो खाया एक दिन, आते ही कह रहा मम्मा, और ये पता नहीं कैसे पता है चोको, हम लोग बताए भी नहीं इसको, वहाँ पर चॉकलेट बोल के दिए ना, तो वही कह रहा है मम्मा चोको दो, मम्मा चोको दो। अरे आधा दिए आधा नहीं दिए, हम कह नहीं, क्योंकि अब 2 साल के अब तो होने ही वाले हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब दे सकते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा दिया हमने जरा सा, उसके बाद हमने कहा नहीं। अब आज ये हमें, मैंने कहा फोटो वीडियो भी बनवानी है, थोड़ी सी चॉकलेट वगैरह मैं भी खा लूँगी और ले आते हैं थोड़ा सा, ये भी बनवाऊँगी, और मेन इनको गिफ्ट की तरफ अट्रैक्शन है इनका, सुबह से कह रहे थे मम्मा गिफ्ट डुगू हैप्पी बर्थडे, हम कह रहे हैप्पी बर्थडे नहीं है बेटा आपका, ये है मैरी क्रिसमस, बर्थडे आएगा फरवरी में, तो हमेशा क्या कहता है डुगू, डुगू क्या कहता है, हैप्पी बर्थडे, खा लीजिए पहले फिर बोल लीजिए। सुबह कह रहा मम्मा गिफ्ट डुगू हैप्पी बर्थडे, क्या कह रहे थे मम्मा गिफ्ट, हाँ सुबह कह रहा था डुगू मम्मा गिफ्ट, है ना मम्मा डुगू हैप्पी बर्थडे, सुबह उठते मेरा बच्चा। अभी अभी दिखाएंगे इस गिफ्ट में डैडू ने इनके लिए क्या लेकर के आए हैं, अब वो तो मुझे भी नहीं पता है फिलहाल, सच में कसम से मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, मैंने कुछ बोले, मैंने कहा जो मन करे बोले आना, हाँ ये डैडू लेकर आए हैं, अभी पहले फटाफट वीडियो बना ले, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे सबको, है ना। हाँ अपने उसी में लगे हुए हैं, लग गए वो अपने आप खोलने में, खत्म होगी तब लगाया हुआ है दूसरे खोलने में। अभी बेटा ज़्यादा नहीं खाना है ठीक है, हाँ ये थोड़ा ना कि आपको मिल गई तब शुरू हो गए, देखे लगे हुए उसी में, बस बस आप ऊपर से ऐसे ही खाइए, बस ऐसे ही खाना चाहिए बेटा, गुड बॉय की तरह। चलो भाई गिफ्ट खोलने की बारी आ गई, चलो देखिए देखिए इसके अंदर क्या है भाई, ये तो रुकू तो ऐसे खोल ले पूछू भाई इसके अंदर देखें क्या, ये है क्या है, मेलोडी ज़ाइलोफोन, डुगू का ज़ाइलोफोन है ये।
ये ज़ाइलोफ़ोन डुगु का देखना भी बजेगा। डुगु निकाले, ला बेटा निकालते हैं, इसको दिखाते हैं। इसको भी इसके पॉलीथिन से निकाल देना पहले, रुकिए रुकिए, पॉलीथिन से निकाल दे। ये ज़ाइलोफ़ोन डुगु, भाई डुगु तो हमारे हैप्पी हो गए, इनको जो गिफ्ट मिल गया है बहुत खुश है भाई ये। हाँ डुगु, डुगु हैप्पी है आप? डुगु आप हैप्पी हैं? भाई सच में डुगु तो खुश हो गया। मैंने कहा था ना ये सी जल्दी फटाफट खोला, एक दिया बस, उसके बाद मैंने फटाफट फटाफट मेरे का देना है देना, क्योंकि बस माने थे बहुत जल्दी मान जाता है किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता है, एक चीज़ है तो ये मान गया। और मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नाम ले ली तो फिर वो बोल सकते हैं तो इसलिए समझ ही सकते हैं, तो मैंने सारा छुपा दिया। बस एक समय जब ओपन कर रही थी गिफ्ट तो इसलिए एक ऐसे रखती थी बस, ताकि पर वो मैं अभी पीछे लेकर के छुपा दी हूँ। और ये आराम से अब लगे हुए हैं अपना बजाने में खेलने में, हाँ खुश हो गए, इनको बस गिफ्ट से मतलब होता है, मिल गया गिफ्ट खुश हो गए। और ये सब चीज़ें इनके लिए, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए है। ये क्या कर रहे हैं आप? आप खुश हो गए मेरा बेटू है ना, खुश हो गया ना, खुश हो गया मेरा बेटा। हाँ ड्रम, ड्रम में ऐसे ही बजाते हैं ना इसलिए कह रहे हैं। ये ज़ाइलोफ़ोन है आपका बेटा है ना, क्या है ये, क्या है ये, हाथ से बजाने। अरे वाह, अरे वाह, ये तो वाह कैसे बजा रहा है, कितने होते बड़े होते एक एक फिंगर करके, भाई बड़ा टैलेंटेड बेटा है। चलिए ठीक है भाई, चलो भाई ये आप ये, क्या टू टू क्या? नहीं बेटा भैया, आपको तो अभी गिफ्ट मिला ना, आपके पास है ना गिफ्ट? बजाने वाला इनका ज़ाइलोफ़ोन है। अच्छा। आराम से आइएगा, खुश हो गए हैं ये हमारे डूनी, आइए खुश हो गई हैं। इनको अपने यहाँ भाई चढ़ना भी है, इनको उतरना भी है। कैसे तो उतरते हैं आपको मारा, ये नहीं ऐसे एक पैर करके तब उतरेगा ये, और उसे पकड़ो नहीं, एक हाथ मैं पकड़ी हूँ, मम्मा तो कहती हूँ पकड़ लो, पकड़ता नहीं कहता। इधर आ जाइए आराम से उतरिएगा, ठीक है? हाँ आराम से, बहुत दुआ है में ही चढ़ उतरेगा। अच्छा बैठेंगे, बैठ जाइए तब तक मेरे को बहुत शैतान। लेकिन एक चीज है, बहुत खुश हो गया ऊपर जा करके, क्यों? क्योंकि आज ऊपर वाली जो भाभी है ना उनके बेटे की, मतलब आज तो किस्मत है छुट्टी है सर स्कूल की उनके, तो वो था उसको देख देख के खुश, इतना खेल रहा था, मतलब हम कहते वीडियो वीडियो बनाने के लिए इतना रेडी नहीं था, इतना खुश था खेलने में। हम कहे चलो भाई खुश हैं यार, खेल रहे हैं आराम से, चले अब चले हम अंदर, घुसे नहीं तो ये हमें यही करा था दबा के रखते हैं शैतान बच्चे। ठीक खोलो भी डू अंकल आ रहे, पिट्टू भागो, डुकू कहते बता भागो भागो। देखिए शूज पहने थे ना आते ही, मतलब इतना पता सबसे पहले उतारना है, सबसे पहले इनको सैंडल उतारनी है, इतना इनको सब पता रहता है कि पहले ला उतारे भाई, लाओ भाई उतार दिए, अब पहले पहले शूज पहनेंगे उसके बाद अब ये लगेंगे फिर खेलने में, शुरू हो गए। खुश हैं डुगु, आपको गिफ्ट पसंद आया? अच्छा है, वाओ कैसा है डुगु, कैसे कहता है वाओ, कैसे बोलता है वाओ? तो भाई हमारे डुगु को गिफ्ट बहुत पसंद आया, बहुत खुश हैं ये, ऊपर भी गए तो आज कल इनको मतलब हैप्पी हैप्पी हो गए, क्योंकि ऊपर भैया भी मिल गए, खेलने में मस्त हो गए यहाँ पर भी, और अभी आए और फिर इसमें लग गए। हाँ कलर बता रहे हैं ग्रीन को, हाँ है कलर ग्रीन, ये और पर्पल, अच्छा है पर्पल, इधर वाला कहाँ है पर्पल, टू टू पर्पल, हाँ उसमें रहने, इसमें कहाँ है पर्पल, सब ठीक पता है, सब बता देंगे, देखेंगे तो जहाँ कुछ लिखा रहेगा तो वो पूरा बताएंगे, पूरा ए टू जेड सब कुछ वैसे ही बता देते हैं ये तो भाई। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, पिंक है,
तो ये इस ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करते हैं। ओ यार, ऐसे ही हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। हाँ बेटा पर्पल, ऐसे ही हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। पहले ये था कि बाहर जाएंगे, प्लान था डंकी मूवी नहीं देखी है, वो मूवी भी देखते हैं और थोड़ा सा मॉल वगैरह में घूम लेंगे। डुगू काफ़ी दिन से, मतलब एक महीने से ज़्यादा हो चुका है कि ये डुगू नहीं गए हैं मॉल में घूमने, नहीं तो वो तो हमेशा हर महीने ही जाते थे, हर महीने क्या 10-10, 15-15 दिन, कभी हफ्ते पर वीक जाते थे। हाँ बेटा डूब जाइए, पर वीक जाते थे ये, बट अभी नहीं जा पाए तो हमने कहा था चलो वहीं जाएंगे, मॉल में ही जाएंगे, इनको वेगस मॉल सबसे ज़्यादा पसंद है तो वहीं पे जाएंगे, घूमेंगे और मूवी भी देखेंगे, फिर उसके बाद आराम से आ जाएंगे। अच्छा देखिए भैया, लेकिन डैडू को आज के दिन मतलब कुछ काम था, मीटिंग है, तो इस वजह से वो उसको रहन दीजिए, आप उसको नहीं खोलते हैं, तो मैं मीटिंग है तो इसलिए उनको जाना पड़ा। अगर वो टाइम पर आ गए, क्योंकि ज़्यादा शाम हो जाएगी तो डुगू को लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इवनिंग हो जाती है, ठंड हो जाता है, मौसम ना ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जाने के बाद इतनी जल्दी टाइम पर आएंगे, तो कोई नहीं, अपनी न्यू ईयर तो आने ही वाला है, आ गए तो फिर जाएंगे घुमा देंगे, नहीं तो फिर नहीं, तो देखते हैं जैसे भी रहता है। इस ब्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं, अगर हम जाते हैं तो हम ब्लॉग इसके बाद जरूर बनाएंगे, और वैसे बता दी हूँ 99% चांस बिल्कुल भी नहीं, 1% है वो भी नहीं हो पाएगी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ बेटा क्योंकि आएंगे शाम में, वैसे गर्मी होती तो हम लोग तो रात के 9 बजे भी निकल जाएंगे, क्योंकि लेकिन बच्चे के हिसाब से ठंड की वजह से थोड़ा सा थोड़ी देखना पड़ता है। इससे पहले जो ब्लॉग डाले बताए थे कि इनकी तबीयत थोड़ा ठंड लगी खराब थी, तो ठंड ना लगे इस वजह से भाई रात हो जाएगी तो नहीं जाएंगे, टाइम पे आए तो फिर चले जाएंगे, जैसे भी होगा आप लोग साथ जरूर शेयर करेंगे। टू हैंड, अच्छा लो भाई, मम्मा बजाओ भाई कह रहे हैं, तो अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा यहाँ पर बजाएं, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, दुगु बाय कर दो सबको, चलो बाय बाय गाइस, बोलो बाय गाइस, बाय 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 गाइस, है ना, मैरी क्रिसमस अगेन सबको, हम तीनों लोगों की तरफ से मैरी क्रिसमस, बाय बाय करो, चलो टाटा करो, बाय बाय, ऐसे कर दो टाटा, बाय बाय कर दो जल्दी से, टाटा बाय, लव यू, ऐसे कर दो।